हिंदू धार्मिक ग्रंथों, वेद शास्त्रों और पुराणों में मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार की कथा सुनने को मिलती है कि किस प्रकार से श्रवण कुमार द्वारा अपने अंधे माता पिता को पालकी पर लेकर पैदल चारों धाम की यात्रा कराई गई थी। वर्तमान में कलयुग चल रहा है और इस युग में जिस समय भारतीय संस्कृति और परंपराएं छिन्न भिन्न दिखाई पड़ती हैं, तभी कुछ लोग समाज के बीच ऐसे निकलकर सामने आते हैं कि बरबस ही उनके लिए दिलों से दुआएं निकलने लगती हैं। आज हम आपको ऐसे ही कलयुग के श्रवण कुमार से मिलवाने वाले हैं कि उन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। कर्नाटक मैसूर के रहने वाले कृष्ण कुमार अपनी वृद्ध माँ चूणा रत्ना, जिनकी उम्र इस समय 72 वर्ष है, उन्हें अपने पिता द्वारा 20 वर्ष पहले दिए गए स्कूटर पर भारत भ्रमण कराने के लिए निकले हैं। कृष्ण कुमार अभी तक अपनी माँ के साथ स्कूटर पर सवार होकर 66,720 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा में 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और म्यांमार की यात्राएं भी शामिल हैं। अपनी वृद्ध माँ चूणा रत्ना के साथ चित्रकूट पहुंचे कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री किए हुए 42 वर्षीय कृष्ण कुमार से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर के रूप में कार्यरत थे। उनका कर्नाटक राज्य के मैसूर में 10 लोगों का संयुक्त परिवार है, जिसमें उनकी माँ घर के सारे काम करती थी। एक दिन कंपनी से घर आकर मेरे द्वारा कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम गिनाते हुए माँ से पूछा गया कि माँ कभी इन मंदिरों के दर्शन करने गई हो। इस पर मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मैं आज तक अपने घर के पास वाले मंदिर भी नहीं जा सकी। कृष्ण कुमार बताते हैं कि उन्हें अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और तभी मन में माँ को भारत भ्रमण कराने की इच्छा हुई। उन्होंने माँ से कहा कि मैं देश के मंदिरों का दर्शन कर भ्रमण कराऊंगा। इसके बाद नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पिता के द्वारा 20 साल पहले दिए गए स्कूटर में सवार होकर 16 जनवरी 2018 को माँ के साथ भारत भ्रमण शुरू कर दिया गया। यहाँ ये उल्लेख करना उचित होगा कि माँ के सपने को पूरा करने के लिए कृष्ण कुमार द्वारा आजीवन ब्रह्मचारी अथवा अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया गया है। ये पूछने पर कि आप समाज को, खासकर युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर कृष्ण कुमार ने कहा कि माता पिता धरती के भगवान हैं। वे हमें जन्म देते हैं, जिस प्रकार हमारा लालन पालन करते हैं उस प्रकार से हमें भी अपने माता पिता का वृद्धावस्था में लालन पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग घर में माता पिता की फोटो लगाकर चंदन का टीका लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार माता पिता बचपन में हमारा ख्याल रखते हैं, वृद्धावस्था में हमें अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। वीक्षकों का नमस्कार, मेरा नाम चूड़ा रत्नम्मा है, हम मैसूर वाले हैं, कर्नाटक के मैसूर वाले हैं। अब मेरा बेटा सब कुछ मेरे यात्रा के बारे में बोल दिया है। मेरे पति के जमाने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। मेरे पति चल बसने के बाद मेरा, मुझे एक अकेला बेटा है, इसलिए वो अपने साथ रख कर मुझको अच्छी तरह देख रहा है। वो एक दिन वो पूछा कि कुछ जगहों के नाम पूछा, मैंने कहा वो नज़दीक वाले मंदिर बेलूर अड़े भी नहीं देखा, ऐसा कह लिया। उसके मन को परेशान हो गया उस समय, वो तुरंत संकल्प करके मुझे सारे देश को दिखा है। हमारे भारत में जितने पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है, उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है, ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरा बेटा बहुत होशियार लड़का है, पहले बचपन से ही मेरा कष्ट को वो आंखों से देख रहा था, इसलिए जीते रहते समय अम्मा जी के सब कुछ दिखाना, अम्मा जी को सेवा करना, ऐसा चाहकर मुझे सारे देश को दिखाया है। दिखाते समय बच्चों की तरह ऊपर उठाकर मंदिर को दिखाया है, भगवान को दिखाया है। ये गाड़ी में बैठकर मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, आराम से बैठूँ, क्योंकि मेरे तबीयत के बारे में वो काळजी लेता है, केयर लेता है, मेरे सभी कामों में हाथ बांटता है, सहयोग देता है, सब कुछ काम को वो ही करता है, मुझसे नहीं करवाता जी। पहले मुझे खिलाकर वो बाद में वो खाता है, ऐसा बेटा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ। आजकल बेटे लोग माता पिताओं को वृद्धाश्रम भेजते हैं ना, आपको भी मालूम है, मेरा बेटा ऐसा नहीं किया। मेरे पति के अनुपस्थिति में मुझको अच्छी तरह देखकर मुझे संभल कर रहा है, ये उपाधि मिल गया है।
श्रवण कुमार बन गया है ना, ये उपाधि संघ समझता हुआ देश के लोग दिए है। ये उपाधि मेरे बेटे को एक को मिलना चाहिए ऐसा अरमान नहीं हमको, हम ऐसा स्वार्थी नहीं, सभी घरों में रहने वाले बेटे को ये उपाधि मिलना चाहिए। सभी बेटे अपने माता पिताओं को अच्छी तरह देकर अपने साथ रखकर अलग नहीं बनाना, साथ रखकर बुढ़ापे में अच्छी तरह देखना, ऐसा हमारा अरमान है, हमारा संदेश भी है। करते हुए आए तीर्थ में है कांतानाथ जी के दरबार में, और साथ में एक हमारे शासकीय कर्मचारी हैं जिनसे परिचित हुए या अपना परिचय दे के यहाँ आए कि हमें ऐसी जगह बताइए जहाँ जैसे शांति से हम परिक्रमा कर सकें, दर्शन कर सकें, भ्रमण कर सकें, तो वो यहाँ पे बढ़ा दें। और फिर जब जानकारी हुई कि कैसे कैसे आए और किस रूप से आए हैं, तो मालूम हुआ कि माता जी को लेकर के वो भारत भ्रमण कर रहे हैं, भारत भ्रमण कर रहे हैं, और माता जी को ऐसे लिए हुए हैं जैसे श्रवण कुमार जी की आपने कथा सुनी होगी। और देखिए कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में तो माता पिता ही होते हैं, तो माता पिता जी की जो सेवा करता है वही भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये माता जी को लेकर के भ्रमण कर रहे हैं, और इनका जो भी हमसे सुविधा, जो भी हमको सुविधा दे सकते हैं खाने पीने की रहने की, और वो संतुष्ट भी हैं ऐसा हमने उनसे बात भी किया है कि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बताइए, और व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो, माने आपके संचालन में यात्रा में कोई सहयोग की अपेक्षा हो तो हम करेंगे। और ऐसे व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं जो ऐसे मातृभक्त, पिता के भक्त, और देखने में बहुत कम आते हैं क्योंकि वृद्धाश्रम खुल चुके हैं, तो वृद्धाश्रम में लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे यहाँ तो खैर ठाकुर जी कृपा है अभी चित्रकूट क्षेत्र में ऐसा संस्कार नहीं आया है, लोग बाहर से ही आके यहाँ रोक रहे हैं, लेकिन अपनी मान्यता है कि माता पिता की सेवा करना परमो धर्म है, और वो ये कर रहे हैं और देखने में आ रहा है, और बहुत ही संतुष्ट हैं इनकी सेवा से हम, और भगवान कांतानाथ जी इनकी कामना पूरी करें, इनकी यात्रा पूरी करें, यही हमारा जो है कांतानाथ जी से शुभकामना है, आशीर्वाद है, ठाकुर जी कृपा करें बनाए रखें, बोलो कांतानाथ भगवान की। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ारत्ना, हम मैसूर वाले हो। ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है, ये पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग था हमारा संयुक्त परिवार में, उस समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई, बाहर का विहारी नहीं। सो लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया, उस समय में मैं बेंगलोर में काम करता था, आई वॉज वर्किंग एज ए कॉरपोरेट टीम लीडर इन बेंगलोर। मेरी माता जी को मैसूर से लेकर बेंगलोर में एक से एक दिन बातों बात करने का समय में, वार्तालाप करने का समय में मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलई, तिरुकोयिलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे? मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा। उसी समय में मुझको परेशान हो गया, मेरी माता जी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया, उस देखकर मुझको बहुत परेशान हो गया, संकट हो गया। उसी समय में मैं मेरी माता जी को, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता है, ये संकल्प करने के बाद हम 2014 में जॉब को रिज़ाइन करके जनवरी 16, 2018 में ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया मैसूर से। अभी तक हम 66,722 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ अभी तक, पूरा भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मंदिर है, मठ है, साधु सत्पुरुषों का दर्शन, स्पिरिचुअल सेंटर्स, सभी मेरी माता जी को लेकर पुण्य नदी में नहाकर, पुण्य स्नान कर तीर्थ प्राशन कर मेरी माता जी का जो इच्छा था वो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। समग्र भारत, साथ ही साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार भी, ये 20 साल का पुराना स्कूटर, इसमें हम सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्कूटर मेरी पिताजी ने मुझको 20 साल के पहले दिया था। मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है, ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है, मैं हम दो नहीं हैं इस यात्रा में, हम तीन हैं, ये स्कूटर हमेशा मेरा पिताजी का याद हमको दिलाते हैं। किसका? आई वॉज, माई डेसिग्नेशन वॉज कॉरपोरेट टीम लीडर, हैंडलिंग द कॉरपोरेट्स, तो जनवरी 14, 2018 में मैं रिज़ाइन किया।